अयोध्या में लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए है। शुक्रवार रात 10 बजे से लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। उसके बाद से जिले में पुलिस ने नाकेबंदी करके कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सख्त रुख अपनाया है। जिले में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें प्रतिष्ठान बंद हैं। कार्यालयों को भी बंद रखा गया है। लोगों से कल से ही लॉकडाउन के निर्देशों का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन अपील कर रहा है। जिलाधिकारी और SSP जिले में घूमकर लॉकडाउन का जायजा ले रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था जिसे हमारे पहले के लॉकडाउन के पीरियड में वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर लगी थी, उसी तरह आज भी पूरी तरह से एक्टिव है। सुबह से ही हम लोग राउंड पे हैं, कहीं किसी तरह से ऐसी दुकानें कोई नहीं खुली है जिसमें समस्या आए। जो भी दवा की दुकानें हैं केवल वो खुली हैं। उसमें भी ड्रग एसोसिएशन ने निर्णय लिया था कि चुनिंदा दुकानें ही हम लोग खोलेंगे, तो लोग चुनिंदा दुकानें ही अपनी खोले हैं जिसमें अस्पताल के सामने अपनी मेन दुकानें हैं। तो इस तरह से जो है दवा की दुकानें केवल खुली हैं। किराना की दुकानों ने, सभी व्यापारियों ने डिसाइड किया था कि किराना की दुकानें 2 दिन हम पूरी तरह से बंद रखेंगे। इसके बारे में हम लोग पहले भी अपील कर चुके हैं। कल मैं और मेरे क्षेत्राधिकारी, हमारे DM साहब और SSP साहब के आदेशानुसार हम लोग सब जगह निकल करके हमने सभी दुकानदारों को, आम जनता को हम लोगों ने अवेयर किया है और बताया है कि ये लॉकडाउन जो 55 घंटे का है ये उसी तरीके से रहेगा जैसा हमारा लॉकडाउन फर्स्ट था। लॉकडाउन फर्स्ट में भी आप सब लोग जानते हैं कि सिर्फ दवा की दुकानें, अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर और फल और सब्जी के जो ठेले हैं यही सब अलाउड थे। उसी प्रकार से आज भी उसी तरह से है। आप लोग देख रहे होंगे पूरे शहर में घूम करके कहीं पे भी जो है कोई भी फालतू की दुकान नहीं खुली हुई है। सिर्फ दवा की दुकानें, अस्पताल खुले हुए हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर खुले हुए हैं।